हम भारत में एक से बढ़कर एक देसी जुगाड़ को देखते आए हैं। इसी तरह अफ्रीकी देश डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के गोमा शहर में एक स्पेशल टाइप का स्कूटर बनाया गया है, और इस स्कूटर की सबसे खास बात यह है कि ये बिना पेट्रोल, डीजल और बैटरी के फर्राटे से भागती है। ये स्कूटर बिना किसी इंजन या पैंडल के 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग सकती है। इस स्कूटर का नाम है चुकुड़ू स्कूटर। चुकुड़ू स्कूटर लकड़ी का बना होता है। इसमें ना तो इंजन होता है ना ही पैंडल, फिर भी ये तेजी से चलता है। कहा जाता है ना कि गरीबी और मजबूरी इंसान से बड़ा आविष्कार करा देती है। इस स्कूटर के आविष्कार के पीछे की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। कॉन्गो में ये बहुत पॉपुलर है। गोमा शहर में तो ये इतना ज्यादा पॉपुलर है कि वहाँ इसकी मूर्ति भी लगाई गई है। वहाँ के लोगों का मानना है कि चुकुड़ू स्कूटर उनकी शान है। कॉन्गो एक बेहद गरीब देश है, जिस कारण से वहाँ कुछ एक लोगों के पास ये मोटरसाइकिल है, लेकिन इसकी मदद से वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकते हैं। ये सचमुच कमाल की बात है कि बिना इंजन का इस स्कूटर का इस्तेमाल मुख्य रूप से रोजमर्रा की जिंदगी में भारी सामान को ढोने के लिए किया जाता है। ये स्कूटर करीब 200 केजी तक के भारी सामान को आसानी से कैरी कर सकता है। इसे एक खास तरह की लकड़ी से बनाया जाता है और ये पूरी तरह से इको फ्रेंडली है, यानी कि किसी भी तरह ये पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुँचाता। इस स्कूटर को चलाने के लिए शुरुआत में स्केट स्कूटर की तरह आपको आगे ढकेलना होता है, जिसके बाद इसके हैंडल में लगे स्प्रिंग को दबाकर इसे रफ्तार दिया जाता है। इसका बनावट कुछ इस प्रकार का है कि स्प्रिंग के दबाने से ये आगे बढ़ता है और इसी तरह धीरे धीरे ये तेज रफ्तार पकड़ लेता है। इसका अगला चक्का 12 इंच का होता है और पिछला चक्का 10 इंच का। हो सकता है कि ये जुगाड़ आपके एक्सपेक्टेशन जैसा नहीं होगा, लेकिन इसी से गरीब कॉन्गो के कई लोगों की रोजी रोटी चल रही है, क्योंकि मुख्य रूप से इसका आविष्कार कमर्शियल पर्पस के लिए किया जाता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।